अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है जहाँ भी आप हैं अल्लाह आपको खुशी और सलामती के साथ महफूज रखे। दोस्तों ईद उल अज़हा का मौका है, बकरीद का मौका है, जानवरों की कुर्बानियाँ। इस मौके पर हम अल्लाह के हुजूर अल्लाह की रजामंदी और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए करते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ास इनाम और एहसान ये फरमाया कि वो जो जानवर हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बान करते हैं उन्हीं जानवरों का हमें गोश्त खाने की इजाज़त दे दी कि ठीक है मेरे बंदो, तुमने ये कुर्बानी तो मेरे लिए की है लेकिन चलो तुम्हारे तुम इस गोश्त के इस्तेमाल करने के मुजाज हो और तुम ये गोश्त इस्तेमाल कर सकते हो, अपनी ज़रूरियात में खा लो। चुनांचे अहले ईमान और मुसलमान करते भी ऐसे ही हैं कि कुर्बानी तो अल्लाह के लिए करते हैं और वो कुर्बानियों का जो गोश्त होता है वो इस्तेमाल खुद कर लेते हैं। कुर्बानी के गोश्त में चंद आज़ा ऐसे होते हैं जिनके ताल्लुक से आपको ये जानना चाहिए कि इनका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। सात चीज़ें कुर्बानी के जानवर में, सात पार्ट जानवर के ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल करना हराम है। इसलिए आप इन सातों चीज़ों को जहन में रखें, इनके इस्तेमाल करने और खाने की या इनको किसी भी ज़रूरत में लाने की इजाज़त नहीं है। नंबर एक, दमे मस्फूह, बहने वाला खून, जो खून बहने वाला है बह रहा है ऐसे खून के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं, वो हराम है। एक खून वो होता है जो गुर्दे तिल्ली फेफड़े वगैरह होते हैं, ये बहने वाला नहीं वो जमा हुआ होता है। ये ऐसे ही वो खून जो गोश्त के साथ लगा हुआ होता है वो भी बहने वाला नहीं वो भी लगा हुआ है। जो खून बह रहा है जो जानवर की रगों से निकलता है उसका इस्तेमाल करना या उससे फ़ायदा उठाना ये जायज़ नहीं। दूसरी, पेशाब की जगह, नर हो या मादा जानवर कोई भी हो उसके पेशाब के जो मकाम होता है शर्मगाह होती है उसके इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं, वो भी हराम है। तीसरे, खुशियतैन फोते, नर जानवर के जो फोते और गोलियां होती हैं उन खुशियतैन और फोतों को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। चौथे, पखाने की जगह, बड़ी गंदगी और गलाजत की जो जगह होती है बड़ी शर्मगाह जानवरों की, पखाने की जगह दुबुर जिसको बोलते हैं उसके भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। नंबर पाँच, गदूद, ये कहीं कहीं इंसान के बॉडी जानवर के जिस्म में सख्त किस्म का गोश्त हो जाता है शदीद सख्त किस्म का उसको गदूद बोलते हैं, गदूद के भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, वो भी हराम होता है। नंबर छः, मसाना, पेशाब की थैली को बोलते हैं जिसमें जानवरों का पेशाब जाकर के रुक जाता है, उस मसाने को भी उस पेशाब की थैली को भी आप उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते ना इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर सात, पित्ता, पित्ते का भी इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। तो ये सात जानवर के वो पार्ट हैं जिनका इस्तेमाल करना जिनसे फ़ायदा उठाना ये जायज़ नहीं है, ये सात पार्ट जानवर के हराम होते हैं। इसलिए आप इसका भी ख्याल करें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों की मालूमात में ये बात आ जाए। दुआओं की दरख्वास्त हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।